आप में से अधिकांश लोगों को मूल अंक के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूल अंक 7 होगा। यदि आपका या आपके किसी भी जानने वाले का जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपको हमारा ये लेख पूरा पढ़ना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं मूल अंक 7 के बारे में। मूल अंक 7 का स्वामी ग्रह केतु है। कई विद्वान इसे नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह का अंक तो कुछ इसे चंद्रमा अंक भी मानते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्ति मौलिकता, स्वतंत्र विचार शक्ति तथा असामान्य व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ये शांत चित्त नहीं बैठ पाते, सदैव कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये सदैव बदलाव और यात्रा के लिए उत्सुक रहते हैं। छत्रपति शिवाजी का मूलांक 7 ही था। मूलांक 7 वालों की कल्पना शक्ति तीव्र होती है। इनमें अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता होती है। ये स्वतंत्र रूप से और निडरता से साफ साफ बात कहने वाले होते हैं। इनमें प्रबल आत्मविश्वास होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का मूलांक 7 ही था। मूलांक 7 वाले समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिंता करके राय का पहाड़ बना देते हैं। इन्हें अपनी इस प्रवृत्ति पर संयम पाना चाहिए। यदि इनके शिक्षा की बात की जाए तो कला एवं गुप्त विद्या में इनकी अच्छी रुचि होती है। इनकी शिक्षा का स्तर अच्छा होता है। हालांकि इनकी प्राथमिक शिक्षा का स्तर कुछ ढीला रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी शिक्षा का स्तर सुधरता जाता है। हालांकि कुछ परीक्षाओं में इन्हें असफलता भी मिलती है, लेकिन इनकी खोजी प्रवृत्ति इन्हें सफलता दिलाती है। ये ग्रंथों के ज्ञाता भी होते हैं। यदि इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो अपनी मौलिकता के बल पर ये धन अर्जित करते हैं, लेकिन उसका संग्रह नहीं कर पाते। सामान्य रूप से ये खर्च कम ही करते हैं, लेकिन दान पुण्य आदि में काफी धन खर्च कर देते हैं। अतः इनकी आर्थिक स्थिति को सामान्य कहा जा सकता है। यदि इनके संबंधों की बात की जाए तो सामान्यतः मूलांक 7 वालों का भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा होता है। ये ताउम्र भाई बहनों से आवश्यक वस्तुओं का लेन देन करते रहते हैं। मित्रता प्राय स्थायी नहीं रहती तथा स्थायी मित्र कम ही होते हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 7 व 9 मूलांक वाले व्यक्तियों से ही अधिक पड़ती है। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस अंक से प्रभावित जातक के प्रेम संबंध अधिक स्थायी नहीं रहते। शायद इनकी गंभीर प्रकृति इसमें आड़े आती है। ये प्रेम का दिखावा तो नहीं करते, लेकिन इनके भीतर प्रेम खूब होता है। इनका वैवाहिक जीवन प्राय सुखी रहता है। मूलांक 7 वाली कुछ स्त्रियां विवाह करने से बचना चाहती हैं। यदि इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो मूलांक 7 वाले कल्पना शक्ति व अभिव्यक्ति की अच्छी क्षमता के कारण कवि, लेखक व दार्शनिक के रूप में अधिक सफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर, अध्यापक, जज, सरकारी अधिकारी, ज्योतिषी आदि के रूपों में भी ये कार्य करते देखे गए हैं। यदि इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मूलांक 7 वाले सामान्यतः मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा कमजोरी, पाचन दोष, रक्तचाप कम या ज्यादा होना, त्वचा रोग, नजर कमजोर होना आदि रोगों से भी इन्हें परेशानी हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।